दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेकंड T20 मैच की प्लेइंग 11 के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि ये मैच कब और कहां पर खेला जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे हम इस पूरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सेकंड T20 मैच है वो खेला जाएगा 8 फरवरी को। बात करें इस मैच की टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग है 11:30 ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। बात करें कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा, तो ये ईडन पार्क के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड में। अब दोस्तों, बात करें हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मैच में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर पहले ओपनर होंगे रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और कप्तानी करने वाले हैं टीम इंडिया की। वहीं दूसरे ओपनर होंगे शिखर धवन, जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। बात कर नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर खेल सकते हैं शुभमन गिल, यहाँ पर शुभमन गिल डेब्यू कर सकते हैं। बात कर नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर खेलेंगे MS धोनी, जो कि बहुत ही बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। बात कर नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर खेलेंगे दिनेश कार्तिक, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। बात कर नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर खेलेंगे विजय शंकर, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। वहीं बात कर नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर खेलेंगे हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। बात कर नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर खेलेंगे कुलदीप यादव, जो कि बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर हैं। बात कर नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं। वहीं बात कर नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर खेलेंगे युजवेंद्र चहल, जो कि बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर है। बात कर नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर खेलेंगे खलील अहमद, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों, ये रही इंडिया टीम की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनर की, तो यहाँ पर पहले ओपनर होंगे टिम सेफर्ट, जो कि पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था टिम सेफर्ट ने। वहीं बात करें दूसरे ओपनर की, दूसरे ओपनर होंगे कॉलिन मुनरो, जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे कप्तान विलियमसन, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर खेलेंगे डेरी मिचल, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे रॉस टेलर, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे कॉलिन डी गैरनोम, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर खेलेंगे मिचेल सेंटर, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर खेलेंगे स्कॉट कुकजन, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर भी हैं। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर खेलेंगे टिम साउदी, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं। बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर खेलेंगे स्टोडी, जो कि बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर है। बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर खेलेंगे लॉकी फर्गूसन, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये रही न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11। हमने बात की इंडिया टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, आपके अनुसार क्या होनी चाहिए भारतीय और न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।